what chapter 1 that is called definition jo hamare liye important thi humne wo definition yahan par le li. So these all are the definition which we have learned today. Kal main iske aur zyada aapko lake dunga notes so that kal se hum chalu karenge accounts. सबसे पहले लेंगे, पहले तो चैप्टर आ रहा है प्रपोज डिविडेंड, लेकिन प्रपोज डिविडेंड से पहले अपने को लेना पड़ेगा अकाउंट्स और अकाउंट्स के बाद आगे बढ़ेंगे. सो जो नोट्स का अरेंजमेंट है वो ये है दैट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड चैप्टर 8 है. चैप्टर 8 को नहीं लेना है, पहले अपन लेंगे चैप्टर 9 दैट इज अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, फिर लेंगे चैप्टर 10 ऑडिट ऑफ द कंपनी, फिर चैप्टर लेंगे आकर 8. सो हर रोज नई चीजें अब देखने को मिलने वाली हैं अपने को, और मैं भी आपके साथ पढ़ रहा हूं. सो कल से आप एक काम करें, बस कोई एक कंपनीज एक 1956 अपने साथ लेके आए. एनी वन ऑफ यू जस्ट ब्रिंग विद यू कंपनीज एक 1956 सो दैट वहीं के वहीं कोरिलेशन करके हम डिफरेंस ले लें. वैसे तो मुझे पूरा याद है वर्ड बाय वर्ड, पर हो सकता है याद ना रहे. मेरे पास भी है लेकिन वो निकालने में देर लगेगी, इसलिए मैं किसी को भी बोल दूंगा जरा देख के बताऊं पिछले एक्ट में क्या था. सो बाकी की बातें बंद करते हैं कल.